जो मेरो दुईजना पाहुनाहरू आएको छ जो पाहुनाहरू छ रुबेनको घरमा कति वर्ष भेटे दुईजना लु इजरायलमा अब समोसा खानु त यतिको त अन्त के भाग्य खोज्नु भएन हो रायोको सागको साथ पोर्क हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस सबात के डे, तो आज फिर से एक नया ब्लॉग आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज बहुत दिनों के बाद अनामिका फिर से मेरे घर पर आ रहा है, तो उसके लिए तो कुछ अच्छा बनना ही चाहिए। तो मैं कुछ अनामिका के लिए कुछ बनाने जा रहा हूँ, जो कि मेरा फर्ज बनता है वो चीज़ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ करके, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अभी जो इंडिया में अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़, जो कि टोमेटो, देख सकते हो आप लोग, टोमेटो देख सकते हैं, टोमेटो टोमेटो चेरी टोमेटो में ना लगभग दो से तीन महीने हो चुका है मैं अभी तक टोमेटो नहीं खरीदा मार्केट से, क्योंकि मेरा इधर ही मैंने लगाया पेड़ पे, ये देखिए गाइस बढ़िया टोमेटो है। हाय दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया केयर गिवर का काम वगैरह किस तरीके से रहता है, वो सब वीडियो मैंने अपने पिछला ब्लॉग में ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा करके। अगर आप लोगों ने मेरा वो पिछला वाला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं पंजाबी समोसा बनाने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ अनामिका बहुत दिनों के बाद मेरे घर पर आ रहा है। तो हमेशा जब भी वो मेरे घर पर आता है तो उस दौरान मैं हमेशा कुछ नया डिश उसको बना के खिलाता हूँ। तो आज के दिन उनके लिए क्या क्या बनने जा रहा है वो सब चीज़ें मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहे मेरे चैनल में और आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पंजाबी समोसा, वो भी घर के अंदर ही रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर में किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, वो सब चीज़ें आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहे मेरा ब्लॉग में दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ पंजाबी समोसा के डो जो बनता है उसके लिए फ्लोर चाहिए, मैदा और ये बटर है, घी तो नहीं है मेरे पास, तो मैं बटर से काम चलाऊंगा और साथ में अजवाइन थोड़ा सा, जो हम लोग नेपाली में उसको जुहानो भी बोलते हैं, अजवाइन और थोड़ा साल्ट, और इसमें पानी ज़्यादा मिक्स नहीं करने का है। पहले हम लोग मैदा को मिक्स करेंगे विथ बटर एंड अजवाइन। तब ये रोट डो रेडी हो चुका है, मैं आपको बताया इसमें अजवाइन है, सॉल्ट है, हल्का सा पानी दे के मैंने रेडी कर चुका हूँ। और अभी हम लोग मसाला बनाएंगे, ये आप लोग देख सकते हो, धनिया, ग्रीन चिल्ली, पीनट्स, जिंजर और बॉयल पोटैटो, ये आप लोग देख सकते हो, ये फ्राइड किया हुआ धनिया और जीरा, होल जीरा और होल धनिया। अभी इसको थोड़ा क्रश करने का है, ज़्यादा नहीं करने का, हल्का क्रश ही करेंगे दोनों मसाले को बाद में हम लोग मिक्स करेंगे और फ्राई किया ब्राउन होने तक। उसके बाद ये पीनट्स और क्रश आलू को मैं इसमें मिक्स कर दिया हूँ, थोड़ा सा धनिया, और मैंने मसाला क्रश किया हुआ है, फ्राई किया हुआ है, या फिर जीरा और धनिया, धनिया जीरा,
इसका जो है थोड़ा मिक्स करते हैं, इसमें हल्दी पाउडर, हल्का सा चिल्ली पाउडर और नमक। अपना समोसा के लिए रेडी कर चुका हूँ और मसाला यहाँ पर है। अभी मैं आप लोगों को पंजाबी समोसा हल्का पानी लेना किस तरीके से बनता है वो आपको आप लोगों को अभी मैं बना के दिखा रहा हूँ। इस तरह से पकड़ के थोड़ा पानी लगाएंगे, बन गया। अभी मसाला भी बराबर ठंड हो गया है ना, ठंडा है, ठंडे नहीं ठंडा है। कुछ तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा पहला समोसा रेडी हो चुका है। हेलो दोस्तों, जो फाइनली मैंने समोसा रेडी कर दिया है, 6-8 पीस है और सुनने में आए हैं उनके कोई जान पहचान वाला अनामिका के साथ वो भी आ रही है, तो मस्त वेलकम करते हुए मैंने समोसा पंजाबी समोसा रेडी करके रख दिया है गाइस। अभी हम फ्राई नहीं करेंगे, बाद में फ्राई करेंगे, अभी हम लोग इसको ऐसे रखेंगे। आई होप आप लोग अच्छा लगा करके। इसका पूरा रेसिपी मैं अपना डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप लोग घर पे आराम से बना सकते हो। अभी मेरा गेस्ट आ रहा है, उन लोगों का वेलकम डिश रहेगा ये। हेलो, वेलकम वेलकम। नमस्ते नमस्ते। कहाँ पर जाते हैं मैडम? अंत त्यां टैक्सी बोलाऊं नहीं ना कि टैक्सी गेट में टैक्सी बोलाऊं पर है ना अंत। जो मेरे दो जना पाहुना आ रहा है, जो पाहुना आ आफ्नै पसन्दहरू त किचनको हिसाब आउँदैन नि यो सिङ्गडा। समोसा बिक्ने बेनाको हातमा जाँदो छ। दही माबा यो फ्याँको मोमो बहुत ही पसंद करते है मेरा बॉस और यार्डन वाइट वाइन दिया थोड़ा सा क्योंकि आज अच्छा बात है। और यहाँ पे हम लोगों का बन रहा है पोर्क का मोमो डिमसम और यहाँ पे भेज डिमसम चाइना जापान से आए दोनों। मेरा चीफ गेस्ट आया आज मेरा स्पेशल बॉर्डर में रिसोर्ट में। खाएं, खाएं,
अभी देखिए पोर का बेली, अभी पोर बन रहा है। एक के लिए यहाँ पे चिकन, चिकन ऑलरेडी, राइस। दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सूप है और इंडियन खाना रूबेन दबा कर खाते हैं। सही बाबा तो बोला ये लखो कर दे है जो तो हम पोर्क करी ये है पोर्क करी मु खाए खाला वही तरह का साग गाइस पोर्क करी राई ने छोड़ियो राई को छोड़ियो सुंगुर खाए ना बंदा कोडे खाने आए। चलो अभी हम लोग अपना लंच शुरू करते हैं। आते हैं छोड़ के नहीं रायो को साग के साथ पोर्क छिटो फुल्छ मिठो भयो क्या तिम्रो अनामिकाले सिकाइदे बोल जान्दैन ये दोनों को थोड़ा बहुत सिखा रहा हूँ कनोई कैसे चलाना चलाता है करके क्योंकि ये सब चीज़ ना इज़राइल में अगर आप लोग केयर गिवर के लिए आ रहे हो तो ये सब चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इज़राइल में हर जगह जो भी मतलब कि एम्प्लॉयर रहता है उनके घर में ये रहता ही रहता है। तो चलिए दोस्तों अभी इन लोगों का छुट्टी ख़त्म हो गया, अभी आना फिर से वापस जाएगा तेल अवीव और इन शाह को ऑलरेडी मैंने एक जगह ड्रॉप किया हुआ है, अभी हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो इन लोगों को मैं वहाँ से वहाँ तक छोड़ के मैं वापस आऊँगा। ऐसे ही लाइफ इधर केयर गिवर का लाइफ, आप लोग को लगता है व्हाट्सएप में फेसबुक में इंस्टाग्राम में है ना टिकटॉक में वो सब दिखता है ना कि खूब मज़े कर रहे हैं, तो इस तरीके का लाइफ है। आने वाले टाइम में और ज़्यादा सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। रूबेन कोइन बाय बाय रूबेन, चलो मिलते हैं बाद में। आज को ब्लॉग यहीं खत्म। चलो गाइस अभी हम लोग आ चुके और अकीबा के ऑटो बस तखाना के सामने, अभी ये दोनों जा रहे थे लेडीज की ओर। ये देखो कुछ इस तरह से इस तरीके से ये अगर जॉगिंग में जाओगे तो ही बनेगा, नहीं तो सिर्फ वही डालो खाते पीते घर के बोलो बस। बाय बाय बाय, ऐसे रहते इधर का। थैंक यू बेना फॉर योर नाइस फूड, फोन नंबर ली रख फोन का ये प्रो 6 ये प्रो। बाय 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 बाय, ये तो फुटपाथ बड़ा ही ना त्या साइकिल आने हो देख लिया गाइस इस तरीके से लेते हैं, इस तरीके का लाइफ रहता है। कल जो ये लोग आया था तो इसी जगह से मैं पिकअप किया, तो बस ऐसा ही है यहाँ का लाइफ। और ये भी हम लोगों को ये भी मौका मिलता है महीने में सिर्फ एक ही बार, पूरा 30 दिन में एक
31 दिन में एक बार ये हम लोग का मौका मिलता है। और अगर आप लोग नए हो चैनल में तो शेयर ज़रूर कर देना, जो भी कोई नया बंदे बंदी आ रहे हैं इसराइल के लिए। तो गाइस इस तरीके का लाइफ रहता है और इतना इजी नहीं कि इसराइल में आप लोगों को ना आसमान से पैसा बरसेगा, खजूर के रूप में पैसे, खजूर के पेड़ पैसे नहीं देते इधर में। 30 दिन के ऊपर ही काम करना पड़ता है और 7 to 24 hours ऐसा काम रहता है। और ऊपर से यहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम और इन लोगों का फैमिली का किच बहुत सारे ऐसे चीज़ें, वो सब चीज़ मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली सब कुछ शेयर करूँगा। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा ब्लॉग में। जैसे गाइस मेरे इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल, इसके बारे में तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। चलिए बाय बाय, स्टे ट्यून, प्लीज़ प्यार कर देना, सपोर्ट करना और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय।